बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आज झटपट सा एक बहुत ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, जो कि ईद स्पेशल ड्रिंक है। और घर में बनाइएगा और ये देखने में भी इतना खूबसूरत लगता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बताती चलूँ मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले बताने से पहले प्लीज़, जितने नए देखने वाले मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। और लाइक का बटन तो प्लीज़ बनता है, इतनी मेहनत करते हैं, लाइक का बटन तो बनता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ये चटपट सा ड्रिंक कैसे बन जाएगा, इसको बना के भी हम रख सकते हैं। मेरे पास ये देखें, आजकल आपको पता है कि मार्केट में बहुत ईजीली आपको मिल जाए ऑरेंजेस मिल सकते हैं। और मेरे पास एक लीमू है, क्योंकि गला ख़राब हो रहा है, मैंने छोटा सा लीमू रखा हुआ है। और साथ दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं मेरे पास। और ये रहा मेरे पास ब्लू कलर, ये मैं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ये लिक्विड है मेरे पास, हाफ कप मेरे पास चीनी है और हाफ कप ही मेरे पास पानी है। तो इसको बनाते हैं हम झटपट सा। अच्छा जी, सबसे पहले ये चिकनों का जो छिलका है ना, मुझे ये चाहिए। इसको मैं कद्दूकस करूँगी तकरीबन एक टीस्पून के करीब। देखें, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये निकल आएगा। फिर हम इसका जूस भी निकाल लेंगे, लेकिन ये ऊपर से जो छिलका है इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर आता है। अभी भी मार्केट में है, ऑरेंजेस बहुत है मार्केट में, इसको बना के भी हम रख सकते हैं। ये देखिए जी, ये इसको मैंने किन्नू को कर दिया नंगा बिल्कुल, और इतनी मेहनत के बाद ये देखिए इतना सा ये इकट्ठा हो गया। इसको मैं सारे को इकट्ठा कर लूँगी और इसको हम करते हैं साइड पे। एक एक टीस्पून ये बन गया, एक टीस्पून ही मुझे चाहिए था, ये एक टीस्पून काफ़ी है। अब ऑरेंजेस को मैंने काट लिया है, अब मुझे चाहिए इनका जूस। मैं अच्छी तरह निकाल लूँगी, मैंने निकाल लिए ऑरेंज का जूस निकाल लिया। इसको मैं करती हूँ साइड पे, और चीनी और पानी, और इसमें दालचीनी के चंद टुकड़े हैं मेरे पास, ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ। इनको मैं 5 मिनट तक पका रही हूँ हल्की आंच पे। ये देखें, ये पक रहा है हल्की आंच पे। 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी ताकि ये जो शीरा है ना ये पक जाए, दालचीनी जो है इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये तो हमने छिलका उतारा था। जूस भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पकाती हूँ, फिर इसको इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ ब्लू कलर। बस स्टिक है, स्टिक के साथ लगा के शेड दूंगी इतना कलर चेंज हो। सा ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद बताती हूँ बनाना किस तरह। ये देखिए जी, इसको मैंने कर लिया ठंडा, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। मैं बताती हूँ, मेरे पास एक गिलास नींबू कर लिया मैंने कट, ये इसके अंदर डाल रही हूँ नींबू। ठंडा
आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब मेहमान आए आप सर्व करें और कितने दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। तकरीबन 3-3 टेबल स्पून, 4-4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दोनों ग्लासेस के अंदर। एक अंदर मैं डालने जा रही हूँ पानी, से ये स्प्राइट आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर स्प्राइट डाल रहे हैं, दोनों का फ्लेवर अपनी जगह पे है। लेमनेट हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है, बहुत ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ये स्प्राइट के साथ और ये इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और ये दोनों हो गए रेडी। आप पे डिपेंड करता है कि आप स्प्राइट डालें कि आप पानी डालें, लेकिन ये पीने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसको फ्रिज में बना के रखें, जब आपके मेहमान आए आप इसको सर्व करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।